अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मेरी क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मंच टीवी की ओर से आपके लिए बनाया गया है एक विशेष वीडियो। आइए चलते हैं, देखते हैं ये विशेष पेशकश आपके लिए मेरी क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए। फेस्टिवल ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन स्पेशली चर्चेस को डेकोरेट किया जाता है और इस दिन प्रेयर्स भी होते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई इस त्योहार में मिलजुल कर खुशियां मनाता है। कहा जाता है कि सेंटा को क्रिसमस ईव में लगभग 822 घरों में एक सेकेंड में ट्रेवल करना होता है। क्या आप जानते हो, क्रिसमस के दिन हर साल यूरोप में 60 लाख पेड़ लगाए जाते हैं। Sleep.
मसीह ने दुनिया को प्रेम, विश्वास और शांति का संदेश दिया था, हम आशा करते हैं कि हम सब भी उनके इस सपने को साकार करेंगे। मंच टीवी के सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। बाय बाय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उल्हासनगर महानगर पालिका की ओर से वसन शाह दरबार के साईं कालीराम साहब और अमृत वेला ट्रस्ट के रिंकू भाई साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में आइए देखते हैं ये एक रिपोर्ट और जानते हैं कि इस विषय में उल्हासनगर महानगर पालिका के आयुक्त निम्बालकर जी क्या कहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारे केंद्र शासन और हमारे राज्य शासन के तरफ से बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत सन 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण ये कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे पूरे देश में जितने भी शहर हैं उनको दो ग्रुप में बनाया गया है, एक 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर वाले शहर और 10 लाख के ऊपर के शहर। तो हमारा उल्लासनगर शहर ऐसे 1 लाख से 10 लाख तक जिनकी आबादी है ऐसे ग्रुप में कॉम्पीट कर रहा है और इस प्रतियोगिता में पूरे देश में से जो भी शहर अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनको सराहा जाएगा और ये सराहना से भी अलग हम शहर को स्वच्छ बनाने का एक प्रयास एक बहुत अच्छा हम करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी मिले और सभी लोगों को भी स्वच्छता की जो उनके आदतें हैं उसमें कैसे सुधार लाया जा सके, उनमें जन जागृति कैसे हो, ये भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसके तहत हमने ये सोचा कि इस शहर में जो भी नामी हस्तियां हैं जिनका धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर बहुत अच्छा योगदान है और जिनका इन शहर के शहरवासियों पर काफ़ी अच्छा सारा प्रभाव है, जिनकी बातें लोग सुनते हैं और वो कुछ चार बातें स्वच्छता के बारे में कहते हैं तो एक प्रशासन की तरफ से हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो उसके अलावा अगर ऐसे जानी मानी हस्तियों से अगर हम इनको इसमें जोड़ लें तो हमारा प्रयास और थोड़ा सा आसान हो जाएगा और लोगों तक हम पहुंचने में थोड़ा सा बहुत जल्दी हम पहुंच पाएंगे। तो इसी तहत हमने सोचा कि शहर के जो धार्मिक स्तर पर जो बड़ी दो हस्तियां हैं, एक साईं कालीराम जी हैं और दूसरे हमारे रिंकू भाई साहब हैं, तो इन दोनों को आज हमने अपने शहर का और इस स्वच्छता के इस प्रोग्राम में हमारे शहर के ब्रांड एम्बेसडर्स हम घोषित कर रहे हैं और उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से उनको ऐसा नियुक्त पत्र आज हम साईं कालीराम जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने भी इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और हमारे इस स्वच्छता प्रोग्राम से जुड़े रहने का उन्होंने वादा किया है और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूर किया और हमारे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने तैयारी जो दिखाई है, मैं उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शहरवासियों को भी बधाई देता हूँ कि ऐसे स्वच्छता के प्रोग्राम, ये सिर्फ एक शासन का प्रोग्राम ना रहते हुए हमारे शहर से ही जुड़े हुए एक नामी हस्ती आपको ये आह्वान करेगी और आपको स्वच्छता के बारे में आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम के तहत हम उनको इसमें जोड़ लेंगे और उनके थ्रू हम लोगों तक पहुंचने को और लोगों से भी स्वच्छता के प्रति जो भी काम हमको करवाने हैं उसमें हम सफल रहेंगे। एक हमारा फेस वैल्यू हम बनाएंगे इस स्वच्छता प्रोग्राम का और इनके द्वारा जो भी हम लोगों तक पहुंचाने का जो भी प्रयास करेंगे, जैसे होर्डिंग्स होंगे, लोगों को जो भी वीडियो क्लिप्स होंगे उसके द्वारा इनके संदेश हम पहुँचाएँगे, घर घर में इनके नाम से हम स्वच्छता के संदेश भेजेंगे। उसके अलावा हम कुछ लाइव प्रोग्राम भी इनके उपस्थिति में लेंगे और जिसके साथ फिर लोगों को थोड़ा सा पता चला कि हमारा जो ये गुरु हैं इनके द्वारा भी स्वच्छता का हमको संदेश मिल रहा है, तो इसका एक अच्छा असर लोगों के भावनाओं पर और उनके जो भी आदतें हैं और स्वच्छता के जो भी कदम जो उनको उठाने हैं उस पर एक सही असर पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब ब्रांड एम्बेसडर साईं कालीराम साहब को बनाया गया तो इस बारे में उन्होंने अपनी क्या राय दी, देखते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ये भाग्य हैं कि मैं अपने जन्मभूमि की कुछ सेवा कर सकूँ अच्छे से। उल्हासनगर मेरी जन्मभूमि है जहाँ पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पर बाबा वसन गोट के वंश में मैंने जन्म लिया और हमारे कमिश्नर साहब श्री राजेंद्र निम्बालकर जी जब ने वो आए यहाँ और उन्होंने मुझे कहा कि साईं जी ये सेवा आपको करनी है
तो हम तो बैठे सेवा के लिए ही हैं। और अगर शहर की सेवा करनी है, देखिए हमें अपने शहर को पॉजिटिव बनाना है हर तरीके से। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और हमारे शहर में जो तकलीफ़ें हैं, हमारे निम्बलकर साहब जी बहुत ही अच्छे तरीके से उन तकलीफ़ों को फेस कर रहे हैं और निभा रहे हैं उनसे। और जब उन्होंने मुझे कहा कि साईं ये आपको कैसे भी करके लेटर दिया मुझे और कहा कि आपको हम शहर का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और आपको हमेशा सफाई के बारे में और जितनी भी गंदगी हो रही है शहर जहाँ जहाँ खराबी है उसके बारे में आपको अनाउंस करना है और हम चाहते हैं कि आप ये कार्य करें, तो मैंने वही कहा कि शहर की सेवा करने का मौका मिल रहा है और इस तरीके से इतने अच्छी तरीके से सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जी। तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके से प्रयास हुआ है जिस तरह आपको और भाई साहब रिंकू सिंह जी को साथ में एम्बेसडर बनाया गया है, तो एक धर्म गुरुओं के माध्यम से जो हमारे शहर की जनता है वो उस बात को मान्य करेगी और जन जागृति होगी और हमारा शहर सुंदर बनेगा। देखिए जो लोग, मैं आपको पता है मैं हमेशा कड़वा बोलता हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है। जो लोगों को पॉजिटिविटी में रहने की आदत है, जो लोग सफाई रखना चाहेंगे, उन लोगों को हम लोग का मैसेज 110% पसंद आएगा। और जिन लोगों को गंदगी में रहने की आदत है, जो लोग रहेंगे ही गंदगी में, तो उनको हम कितना भी उभारना चाहें, कोशिश करें, कितना भी करें, जो लोग चाहेंगे कि गंदगी में रहें, हम तो इन्हें नए नए माध्यम बताएंगे कि इस तरीके से आप सफाई करिए, इस तरीके से बिना डस्टबिन्स के हम लोग शहर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कचरा कैसे डालना है, कहाँ डालना है। आज मैं कितनी बार देखता हूँ, कितनी बार मैंने अपने सत्संग में भी कहा है कि आप अगर कचरा कुंडी जहाँ रखा गया है आप वहाँ कचरा डालिए, आप बाहर क्यों फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागृति करनी है हमें। और देखिए संगत जो है उल्लासनगर की बहुत प्यारी संगत है जो संतों से जुड़ी हुई है, फिर चाहे बाबा वसंतकोट की दरबार हो, रिंकू भाई साहब जी हो, या और जितने भी संत हैं, महात्मा हैं हमारे, हम उन्हें भी कहेंगे कि आप लोग भी प्रचार करिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नाम के लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ शहर का, लेकिन सेवा शहर की हम सबको मिलकर करनी है। और अगर संगत हमें इस चीज़ में सपोर्ट करेगी, और हम कोई बुरा मैसेज नहीं दे रहे हैं शहर को, हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं शहर को कि आप लोग जुड़िए हमसे और हमारे शहर को स्वच्छ बनाएं। जैसे पहले उल्लासनगर का नाम था हर जगह पे, और आज फिर वो नाम उल्लासनगर का कायम हो जाए। इसी कड़ी में हमने मुलाकात ली अमृत वेला ट्रस्ट के रिंकू भाई साहब से। आइए चलते हैं रिंकू भाई साहब की ओर। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्या व्यक्त की, देखते हैं। धन गुरु नानक। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब राजेंद्र निंबाड़कर जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझ पर इतना विश्वास किया। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरी ये सोच पहले से थी कि कैसे हम शहर को सफाई की तरफ ले जा सकें, संगत में ये प्रेरणा दे सकें, क्योंकि गुरबाणी भी कहती है सच्चाई सफाई और खुदाई का मेल है। हम नाम सिमरन करें पर हम आस पास में अगर कचरा फैला कर रखें तो किस बात का नाम सिमरन, अगर सफाई नहीं है तो वहाँ पर खुदाई नहीं है। तो यही संदेश हम किसी न किसी माध्यम से, जैसे हमें बताया जाएगा और जैसे हम मिलकर विचार करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि इस शहर के कायापलट हो जाए। बहुत मन है, क्योंकि उल्लासनगर में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जब हमारा सत्संग होता है गोल मैदान पर तो सारे विदेशों से, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, सब जगह से संगत आती है, और वो हम आकर लास्ट में जाते वक्त एक बात कहती है, आप ऐसे शहर में रहते कैसे हो। बहुत दुख होता है सुनकर, बहुत बुरा फील होता है कि जहाँ पर हज़ारों लाखों सत्संगी जुड़ते हैं, जिस वजह से उल्लासनगर का नाम सारी दुनिया में है, पर वही लोग आकर हमें ये कह के जाते हैं कि इस शहर में आप रहते कैसे हो, इतने गंद, इतना कचरा, बुरा लगता है। तो ये सोच बदलनी है, कमिश्नर साहब ने हमें यही कहा कि हमें ये सोच बदलनी होगी कि ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को जो जिस मुझ पर जो जिम्मेदारी डाली गई है उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और उल्लासनगर मनपा की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनने पर वैसे तो पूरे शहर में जिस तरह से प्रचार होगा, आपके बैनर और पोस्टर लगेंगे, तो कुछ ऐसे स्लोगन भी बनाए जाएं जिनका किसी न किसी रूप में धार्मिकता के माध्यम से स्वच्छता का जो है संदेश दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी मन यही था
कि जैसे मैं कह रहा था कि हम लोग गीला कचरा और सूखा कचरा साथ में मिलाए थे, उसी डस्टबिन में हम टूटा हुआ कांच भी डालते हैं, उसी डस्टबिन में हम आम के छिलके भी, केले के छिलके भी डालते हैं। और जब जिसे हम गाय माता कहते हैं, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, हम कचरा फेंकते तो वो गाय माता वहाँ जाकर वो खाती है, कांच भी उसके अंदर जाती है, प्लास्टिक भी उसके अंदर जाता है और वो तड़प तड़प कर मरती है। ये संदेश हमें उन्हें सत्संग के माध्यम से देना होगा, इस प्रकार के छोटे छोटे संदेश, ताकि उनमें जागरूकता पैदा हो कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। हमने हमारे शहर से दो ब्रांड एम्बेसडर्स चुने हैं, जिनमें रिंकू भाई साहब जी हैं और श्री संत साईं कालीराम जी हैं। इन दोनों का जो भी कार्य है पिछले कई सालों से, वो ध्यान में रखते हुए हमने इस शहर से एक एम्बेसडर की जगह दो एम्बेसडर्स, मेरे ख्याल से अन्य शहरों के तुलना में ये अलग तरीके से हमने ब्रांड एम्बेसडर्स चुने हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो भी स्वच्छता की मुहिम के जो प्रयास है, उनमें इनकी सहायता से हम बहुत आगे बहुत जल्द बढ़ जा सकते हैं और अच्छा हमको रिस्पांस लोगों के तरफ से मिल सकता है। आप सबने देखा होगा रिंकू भाई साहब जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने नॉइस पोल्यूशन में अभी हाल ही के दिनों में गोल मैदान में जो सत्संग का प्रोग्राम किया था, वहाँ पोल्यूशन ना हो इसलिए फर्स्ट टाइम मुझे लगता है ऐसा अनोखा एक प्रयास किया था, जिसमें ईयरफोन्स, जिसमें करीब 15,000 लोगों को उन्होंने ईयरफोन्स के द्वारा अपना सत्संग का उन्होंने दीक्षा दी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अनोखा कार्य उन्होंने इस नॉइज़ पोल्यूशन रोकने के लिए किया था। ऐसे अनेक कार्य वो यहाँ करते हैं, सत्संग के माध्यम से लोगों को जीने की राह सिखाते हैं। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ स्वच्छता के भी कुछ चार शब्द अगर वो कहेंगे तो उसका एक अच्छा असर होगा और हमको बहुत उसका उपयोग हो सकता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। श्री बाबा रामदेव शिक्षण संस्था की ओर से नियमित रूप से गरीब परिवारों को या ऐसे परिवार जो किसी समय तकलीफ में आ जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता की जाती है। आइए इसी उपलक्ष्य में आयोजक क्या कहते हैं देखते हैं। आज श्री बाबा रामदेव शिक्षण संस्था के माध्यम से हमारे ताई और काका के इधर जो एकाएकी इतनी बड़ी दुर्घटना आई, इतना बड़ा संकट आया है, भगवान करे ऐसा किसके ऊपर नहीं आए, लेकिन संस्था के माध्यम से हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा अन्न वस्त्र और आर्थिक मदद की तैयारी की है और ये मदद गए 12 साल से हमारी संस्था देती आई है। मैं जनता को अपील करता हूँ, मैं एक आह्वान करता हूँ कि आज के बाद कहीं भी कोई बच्चे की शादी रहे या स्कूल की पढ़ाई रहे या किसकी आर्थिक मदद या हॉस्पिटल का खर्चा रहेगा, संस्था आपके सदैव आपके लिए तैयार रहेंगी। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरी सेवा में इतना ही। और या ठिकाणी बाबा रामदेव संस्थेच्या वतीने या कुटुंबावरती जो अन्याय झाला आता अन्यायाचा काहीतरी आपला भाग उचलावा, त्यांना मदत करावी म्हणून राशन आणि कपडे दिलेत। बाबा रामदेव संस्थेचे आमचे मित्र बाबू बरोबर खरोखर धडपडी करतात, कार्य करतात। आज त्यांनी माझ्या हस्ते या ठिकाणी ते वाटप करून मलाही त्यांनी त्याच्यामध्ये सहभाग करून घेतले, आम्ही त्यांचा आभार मानतो। आणि या कुटुंबासाठी आम्ही लवकरच त्यांचं पुनर्वसन करून हे घर उभारू अशी तुम्हाला ग्वाही देतो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 24 दिसंबर के दिन मोहम्मद रफ़ी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उल्हासनगर के टाउन हॉल में मोहम्मद रफ़ी क्लब की ओर से एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रफ़ी जी के गीतों पर सारे श्रोता झूम उठे। Thank you.
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मेरा भारत स्वर्ण भारत, इस अभियान को चला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की ओर से युवा विभाग के वो सारे युवा जो इस अभियान को लेकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। ऑल इंडिया एग्जीबिशन एंड बस सर्विस के तहत एक बस इन युवाओं की पूरे इंडिया में पूरे भारतवर्ष में जा रही है। इसी अभियान के तहत, इस भ्रमण के तहत यह बस उल्लासनगर में 27 से 28 दिसंबर को आ रही है। इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी के इस कार्यक्रम के आयोजकों का क्या कहना है, देखते हैं। उल्लासनगर के सभी शहरवासियों को यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग की ओर से पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर प्रदर्शनी से सुसज्जित एक युवाओं की रैली बस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में एक संदेश देने के लिए निकली है और यह बस उल्लासनगर में भी तारीख 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के लिए 2 दिन के लिए उल्लासनगर का भ्रमण करने और संदेश देने के लिए आ रही है। यह रैली विशेष रूप से युवा प्रभाग की ओर से निकाली गई है। इनका लक्ष्य ही है युवाओं को जगाना। जी हां भाई और बहनों, आज युवा नशीले व्यसनों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तनाव, चिंता, क्रोध, गुस्सा, भय, ये आज के युवाओं में देखा जा रहा है। तो युवाओं को जगाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनके अंदर हिम्मत, उमंग और उल्लास और शक्ति भरनी है। इसी उद्देश्य से लेकर मेरा भारत स्वर्णिम भारत, यह एक लक्ष्य और उद्देश्य लेकर यह बस पूरे भारत वर्ष के लिए 3 साल यह बस पूरे भारत में जाएगी और गांव-गांव, शहर-शहर युवाओं को जगाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि युवाओं को जगाना है, देश को आगे बढ़ाना है। जी हां भाई और बहनों, याद रखिए, यह बस उल्लासनगर में 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के लिए आ रही है, जिसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उल्लासनगर के चप्पे चप्पे पर जाकर, उल्लासनगर के गार्डन्स में जाकर, स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, स्थान स्थान पर जाकर, चौक चौक पर जाकर ये संदेश देगा और युवाओं को जगाएगा। और एक बात खास, 27 दिसंबर शाम 6 बजे विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क में शाम को 6 बजे, याद रखिए, एक बहुत सुंदर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, स्माइल्स टू गो माइल्स, मुस्कान भरा जीवन। जी हाँ, हमारे जीवन में मुस्कान हो, खुशी हो और युवाओं में शक्ति हो, तो मैं सभी युवाओं को और विशेष करके उल्लासनगर के भाई बहनों को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर शाम 6 बजे विशेष आइए ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क में और इस प्रोग्राम का, कार्यक्रम का लाभ लीजिए, जिसका उद्देश्य ही है मेरा भारत स्वर्णिम भारत। ओम शांति। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के विभिन्न पुलिस स्टेशन्स में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट, देखते हैं। टीसी ग्राउंड परिसर में विकास वरियानी नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित व्यक्ति के साथ समीर खान नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 326 और 504 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5/39 सेक्शन परिसर में शिवाजी गायकवाड़ नामक व्यक्ति की स्प्लेंडर कंपनी की बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MS05CE9568। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। उल्लासनगर 3 हीराघाट परिसर से राजेश आसरानी नामक व्यक्ति की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MH05AN9235।
ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की खोज कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा अपना न्यूज चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।